हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम बनाएंगे पालक की दाल। अगर आप प्लेन दाल खा के बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। दाल में होता है ढेर सारा प्रोटीन और पालक से मिलता है हमें ढेर सारा आयरन, तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन वाली हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम जितनी पालक। पालक की डंडियां निकाल ली है, सिर्फ पत्ते का ही यूज करें क्योंकि डंडियां गलती भी नहीं है और खाते समय मुंह में आती है। इसे छोटा छोटा कट कर लेते हैं। वैसे पालक पनीर भी बेस्ट ऑप्शन है पालक खाने के लिए, लेकिन हम रेगुलरली मसालेदार पालक पनीर तो खा नहीं सकते और सीधी सी बात है उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दाल तो हम अल्टरनेटिव डेज बनाते ही है, तो बस दाल को देंगे थोड़ा सा ट्विस्ट पालक के साथ। लीजिए, सारी पालक को हमने छोटी छोटी कट कर ली है। अब पालक को गर्म पानी में एक उबाल आने तक रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 ग्लास जितना पानी और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। पालक को बहुत ज्यादा देर गर्म पानी में नहीं रखना है, बस 2 से 3 मिनट काफी है। देखिए, अब पानी का कलर भी चेंज हो गया है और एक्स्ट्रा डर्ट भी है जो वो निकल गया है। गैस को करेंगे ऑफ और इसे निकाल लेते हैं। अब एक छन्नी ले लेंगे और इसमें पालक डालते जाएंगे। कुछ लोग पालक डायरेक्ट वॉश करके भी यूज करते हैं, लेकिन गर्म पानी में पालक को एक बार तो वॉश जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, पालक में जो अजीब सा रॉ स्मेल आता है वो निकल जाता है और ज्यादातर लोगों को वो स्मेल की वजह से भी पालक पसंद नहीं होता। देखिए, सारी पालक हमने निकाल ली है। चलिए अब दाल की तैयारी कर लेते हैं। मैं एक छोटी कटोरी तूर दाल ले रही हूँ, इसमें आप चने की दाल भी ले सकते हैं। अब डालेंगे पानी और इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब डालेंगे पानी, दाल अच्छे से डूब जानी चाहिए उतना पानी डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट भिगोने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर बाद अब दाल को कुकर में डालेंगे ताकि ये 3 से 4 सीटी में फटाफट से पक जाए। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और दाल को पकने के लिए रखेंगे। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे तेल। मैं 2 बड़े चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग। अब डालेंगे 1 कप प्याज। ये 1 मीडियम साइज प्याज है, इसको मैंने लंबा लंबा कट करा है। आप चाहे तो छोटा छोटा भी कट करके डाल सकते हैं। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने दाल उबालते समय नमक नहीं डाला है, इसलिए उसके हिसाब से डालें। अब इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 कप टमाटर और सारी चीजें तेल में अच्छे से भून लेंगे। देखिए, ये अच्छे से पक गया है और तेल भी अच्छे से छूटने लगा है। अब डालेंगे दाल। दाल को स्मूथ करने के लिए एक बार ब्लेंडर घुमा लिया है, आप चाहे तो डायरेक्ट दाल भी डाल सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल के ऊपर डालेंगे हमारी पालक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब ऊपर से दो बड़े नींबू का रस डालेंगे। आप चाहे तो नींबू की जगह इमली का पानी भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसे 6 से 7 मिनट अच्छे से पकने देंगे ताकि सारी चीजें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। पैन का ढक्कन लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा कर देखेंगे। धीरे धीरे हमारी दाल और ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी। और अगर आप इसे चावल के साथ खाने वाले हैं तो ये कंसिस्टेंसी में आप रख सकते हैं। अगर इसे रोटी के साथ खाएंगे तो इसे और 5 मिनट उबाल सकते हैं। वैसे भी ये थोड़ी देर बाद और ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी। हमारी इजी लेकिन टेस्टी पालक की दाल बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से नीचे लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।